भारत के इन मशहूर कॉलेजों में आज भी रहते हैं भूत। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना एक अटल सत्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा नश्वर होती है जो कभी नहीं मरती। शरीर आत्मा के लिए कपड़े के समान होता है, जिसके नष्ट हो जाने पर वो एक नए शरीर की खोज करने लगती है। कुछ आत्माएं शरीर के नष्ट होने के बाद धरती नहीं छोड़ पाती हैं और वो भूत बन जाती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही किस्से सुनाने जा रहे हैं। कलकत्ता वुमन कॉलेज, कलकत्ता। काले जादू के लिए प्रसिद्ध कलकत्ता का अलीपुर अपने पौश इलाके के अलावा अपने भूत के लिए भी मशहूर है। वॉरेन हैंगस्टन, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का घर आज का कलकत्ता वुमन कॉलेज हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि हर साल नए साल की शाम को गवर्नर का भूत अपने घोड़े पर सवार होकर कॉलेज की सीढ़ियां चढ़कर अंदर आता है और कमरों में अपने कागजात ढूंढता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। पुणे यूनिवर्सिटी के खूबसूरत और चारों ओर हरियाली से घिरे कैंपस के किनारे पर एक कब्र है, जिस पर लिखा है 13 नवंबर 1856 को पैदा हुई मॉरलेस की मौत हैजे की वजह से जनवरी 1886 में हुई। पर लोगों का कहना है कि उसकी मौत हैजे से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि आज भी सफेद गाउन से सजी हुई एक लड़की कब्र के पास रात को घूमती हुई कई बार दिखाई पड़ती है। सेंट डीसी गर्ल्स कॉलेज, मुंबई। सेंट डीसी गर्ल्स कॉलेज मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। पर यहाँ हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र का कहना है कि रात 2 बजे के आसपास एक लेडी टीचर की आवाज़ आती रहती है, जो बच्चों को टेबल पढ़ाती और डांटती है। अब दोस्तों, ये तो पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, कहीं आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो कहीं उस कॉलेज में भी तो भूत नहीं रहता? पता कीजिएगा।